हमारे आश्रम की संतो दीदी, जो पट्टी बनी है इस पे, ये मिट्टी का बना हुआ है पूरा, ईंट भी है क्या इसके अंदर? हाँ, अच्छा, ईंट और मिट्टी से बना है। और इस पट्टी की मिट्टी से प्लास्टरिंग कर रही है ताकि धूल वूल उससे ना उड़े। इस पट्टी का मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकता है। वैसे तो अभी जो वर्कशॉप यहाँ होने वाली है और आगे भी होंगी, तो लोग भोजन जो है यहीं बाहर ही बैठकर करेंगे। तो एक तरफ बैठ जाएंगे इस तरफ वो, और ये एक हम कह सकते हैं कि लंबा पटा जैसा है, चौकी अलग से रखना नहीं पड़ेगा। तो थाली इस पे रख के भोजन लोग करेंगे, और दूसरे समय में इसको बैठने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता इसको बनाने में। बस ईंट का ही खर्चा है जो हमको करना पड़ता है, ना सीमेंट का खर्च है ना तो रेत का खर्च है। और स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी है। इस पर बैठने में हमारी कमर दर्द नहीं करती है हमारे। तो अगर सीमेंट और कॉन्क्रीट से बनी हुई मान लो ये पट्टी होती तो बैठने में और दिक्कत भी होती है, कमर दर्द करने लगती है और ख़र्चा भी बहुत होता है और दिखने में उतना खूबसूरत लगता नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दूसरे वीडियो में दिखाया था कि इस जगह पर खाना बनेगा और लोग सुबह और शाम अपना भोजन यहीं करेंगे। चूल्हा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर इस स्पेस में खाना यानी भोजन बन के पक के तैयार होगा। ये मिट्टी का चूल्हा है, इसको भी लीप दिया है। अभी तो मिट्टी से लेप है, फिर इसको गोबर से लीप देंगे। तो ऐसे हमारी भारतीय ग्रामीण पद्धति से, विधि से शिविरार्थियों को भोजन पका के खिलाया जाएगा। ये सभी पट्टियाँ जो दिख रहे हैं आप, वो मिट्टी से ही बनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इस तरह की आंगन में ऐसी पट्टियाँ बनी होती हैं। कभी कभी उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा कम भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें दिखने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, कि इसके पीछे अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है कि कैसे कम से कम पैसा खर्च करके भी हम सुंदर से सुंदर चीज़ें अपने घरों में बना सकते हैं। प्रकृति के साथ भी इसका सामंजस्य है, क्योंकि प्रकृति में कोई भी इसमें ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया जो धरती से खोद के निकाल के लगाया गया हो। तो प्रकृति का भी इसमें ख्याल रखा जाता है, स्वास्थ्य का भी इसमें ख्याल रख पाते हैं। चीज़ें दिखने में सुंदर भी लगती हैं। स्थानीय उपलब्ध कच्चा माल है, उसको इस्तेमाल करके आसानी से चीज़ें बन जाती हैं। और जो हमारे स्थानीय ग्रामीण जो कारीगर हैं, उनको इन सब चीज़ों को बनाने के समय पर एक रोज़गार भी मिलता है। तो यही सारी चीज़ें और अन्य यही सारी जो तालमेल है और एक दूसरे के साथ जो परस्परता है, निर्भरता है, वो हमारी बाकी भारतीय सारी चीज़ों से इस तरह से जुड़ी रही हैं। संतो दीदी गोबर से लिपाई कर रही हैं उस जगह जहाँ भोजन पकाएंगे चूल्हे में। दीदी बताओ ना, अपन गोबर से काहे लीपत? धूल नहीं उड़ती है। तो एक बार लीप हुए के बाद कितने दिन चल जाता? खाना बना भी ऊपर है। अच्छा, खाना बनाओ, दो चार दिन में लीपत रहो।
हाँ हफ्ता में दो तीन हाँ, दो बार ना अपन खाना बनाते तो गैस कितने बार पहुँचते रोज ही पहुँचते है ना। हाँ ऐसे ही तो चूल्हा लीप ऑफ तो नहीं चूल्हा नहीं बोला जो नीचे बोल रहा हाँ हफ्ता में दो बार दो बार ना बना रहे छोटे से चूल्हे ला रही माटी गोबर का है तो माटी ढोने लगी बाबू जी बोले माटी का मान लो एक चूल्हा दो चूल्हा था और एक और बनाना है एक और बना भी चाय बना भी छोटी गंजी घुस जाते हैं। अच्छा अच्छा चलो तो पुराने वाले हाँ नहीं चलो अभी चूल्हा बनाएंगे तो वो भी देख लेंगे कैसे चूल्हा बनता है देख लियो। मिट्टी का जो अभी ढेर लगा रहे हैं यहाँ पर हॉल में भोजनालय में उसमें पानी पानी डाल रहे हैं गीला करने के लिए क्यों पानी डालने के बाद उसमें भूसा भी डालेंगे फिर उसको मचाएंगे मचाएंगे मतलब उसको गूँथेंगे पैरों से जब उसको कुचलते हैं मिलाते हैं तो उसको मचाना बोलते हैं। तो हॉल में जो बाकी का फर्श बचा हुआ है वहाँ उस जगह पे हम मिट्टी का फर्श करेंगे फ्लोरिंग करेंगे। सुबह छोटे से एक हिस्से में हमने फ्लोरिंग की है मिट्टी की अभी कुछ इस तरह से दिख रही है गीली है मिट्टी अभी फ्लोर गीला है दो तीन दिन में ये सूखेगा फिर इसको पत्थर से चिकना एक पत्थर होता है हाथ में लेके उसको उसको घिसा जाता है उसको चिकना करने के लिए और वो उसके बाद तो सबसे आखिरी में फिर उसको गोबर से लीपा जाता है। तो बाकी जो ये जो स्टेप्स बताई जब ये होंगी तो हम उसका भी वीडियो बना के कवर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको भी आइडिया हो कि आज के पक्के मकानों में आधुनिक घरों में भी फ्लोर जो है कम से कम हम मिट्टी का बना सकते हैं। मिट्टी का बनाने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमको दिन भर विशेषकर महिलाओं को फ्लोर पर चलते रहना होता है तो आज जो पैरों में इतनी तकलीफ़ होती है घुटने दर्द करते हैं पैर दर्द करते हैं कमर दर्द करते हैं तो बहुत बड़ा कारण ये है कि हम ज़िंदगी के बहुत सारे साल जो है अपने घर के फ्लोर पर पक्के फ्लोर पर फर्श पर जो कंक्रीट से बना होता है उस पर चल चल कर हम अपनी हड्डियों को कम अनजाने में कमज़ोर कर लेते हैं। तो मिट्टी का फर्श रहने से ये होगा कि हमारे पैर की हड्डियाँ घुटने की हड्डियाँ वो चलते रहने से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर खेलते हैं और खेलते खेलते गिरते हैं विशेषकर एक साल से कम और एक साल से पाँच साल तक यानी जीरो ईयर से लेकर पाँच साल तक के बच्चे जो हैं वो खेलते खेलते अगर गिर जाते हैं तो उनको चोट नहीं लगती है। तो मिट्टी का फर्श बनाने का ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं जिनको हम कहीं ना कहीं आधुनिकता के चक्कर में भूल चुके हैं।